ऊंची इमारतें, बढ़िया सड़क या फिर हो आलीशान बंगलो, गांव में बने सड़कों से लेके स्मार्ट सिटी का आज पॉसिबल होना सब सिविल इंजीनियरिंग का ही खेल है। क्या आप भी बनना चाहते हैं सिविल इंजीनियर? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग आखिर है क्या और उनका क्या काम होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए, सिविल इंजीनियर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और इस कोर्स को करने में लगभग खर्चा क्या आएगा, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कहां और क्या जॉब कर सकते हैं और जॉब हासिल करने के बाद आप कितनी सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे हम आज। हेलो दोस्तों, बिना वक्त को गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं आपको आसान भाषाओं में समझाऊं तो सिविल इंजीनियरिंग एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री है। सिविल इंजीनियर्स का काम डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, डैम्स बनाना और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला है उसकी डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन और क्या क्या मटेरियल कितने अमाउंट में लगेगा, ये सब जिम्मेवारी एक सिविल इंजीनियर की ही होती है। सिविल इंजीनियर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जूनियर सिविल इंजीनियर और दूसरे होते हैं सीनियर सिविल इंजीनियर्स। और दोनों में क्या डिफरेंस है इसके लिए अलग से एक वीडियो है, वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप जूनियर सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर सीनियर। अगर हम बात करें जूनियर सिविल इंजीनियरिंग की तो उसके लिए आपको मिनिमम 10th पास होना होगा और उसके बाद डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर आप सीनियर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना होगा, जिसमें आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है। वहीं पे आपके 50% भी होने चाहिए 12th में। बहुत से कॉलेज वो हैं जो जेईई के बेस पे एडमिशन लेते हैं, वहीं पे आपको काफी कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको बिना जेईई देखे ही आपको एडमिशन दे देंगे। बाकी आगे कोई भी आपको जानकारी चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए कि कौन सा कॉलेज आपको सूट करेगा और कौन सा नहीं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे आए हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है आपके बजट में और लोकेशन को देखते हुए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ने वाले हैं, तो वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, कंसेंट्रेटेड टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, हाईवे ज्योमेट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चलिए, ये तो हो गया सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम जानते हैं इस कोर्स को करने में लगभग खर्चा क्या आने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो तो पूरे कोर्स की फीस लगभग 2-3 लाख ही होती है। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो पूरे कोर्स की फीस 3 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक ही जाती है। और फिर वही अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज जो कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो तो उसके लिए लगभग 3-5 लाख होती है फीस। चलो, कोर्स तो हो गया, अब जानते हैं कि जॉब कहां और क्या मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। तो जॉब्स आपको मिलने वाली है वो है बिल्डिंग मैनेजर की जॉब आपको मिल सकती है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, डिजाइन मैनेजर, फील्ड सर्विस इंजीनियर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लानिंग इंजीनियर एंड जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियर, पब्लिक सेक्टर इंजीनियर भी बन सकते हो आप। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा खासा स्कोप मिल जाता है। अगर वही मैं सैलरी की बात करूं तो एक सीनियर सिविल इंजीनियर की सैलरी 5 लाख से लेके लगभग 13 लाख पर एनम होती है। बाकी आपकी सैलरी इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। बाकी वही आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा खासा स्कोप मिल जाता है। खुद का आप अपना रियल इस्टेट का बिजनेस भी कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या फिर हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा।